प्यारे हरियाणा वासियों, सबको राम राम। राम राम। आज मैं आपको बीजेपी और कांग्रेस के सताए हुए लोग इस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ इकट्ठे हुए हैं कि वो इस कुशासन से छुटकारा हासिल करें। ये वायदे तो बहुत करते हैं, लेकिन झूठे वायदे करके सत्ता प्राप्ति के बाद ये फिर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। अब जो ही चुनाव नजदीक आए, ये लुटेरे बहुत अच्छे समझबाग दिखाएंगे और सत्ता प्राप्ति के बाद दोनों हाथों से गरीब वर्ग के लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। मैं आपसे मिलने आया हूँ सभी को गठबंधन की सरकार बनाने की जिम्मेवारी लगाने आया। मैं सबसे मिलने के लिए आने की कोशिश करूँगा। सरकार बनाना आपका काम है, फिर आपको सारी दुख तकलीफें हम दूर करने का काम करें। मेरी हार्दिक इच्छा है, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करें। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उनकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होगा। किताब कापी कलम दवात पढ़ाई की फीस ये सब सरकार बर्दाश्त करेगी और कोई पढ़ा लिखा लड़का नौकरियों के लिए भटकता नहीं फिरेगा। हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पदों पर बिठाएंगे। गरीब का बच्चा अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पद पर बैठेगा तो फिर स्वाभाविक है वो गांव की अच्छाई के काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर आपको इसका फायदा होगा। इसलिए मैं वायदा नहीं करना चाहूंगा, आपको खुले मन से एक बात कह के जा रहा हूं, कि राज बढ़ा लो फिर तेरा सारा खोटवा काट दूंगा। मैं आपका आभारी होऊंगा। धन्यवाद कर दो खुशी। मैं वायदा करने पर यकीन नहीं रखता हूँ, मैं करने में भरोसा रखता हूं। आपके लिए अच्छे काम करूंगा, आपको सारी सुविधाएं प्रदान करूंगा,
आपको आपकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पदों पर बिठाऊंगा। अच्छा जागरिक सुविधाएं आपको देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है, होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारी पार्टी की मेंबरशिप की फीस 25 रुपये है। हर बच्चा ये प्रण कर ले कि हमने पार्टी का मेंबर बनना है, 25 रुपये जो साथ लेगा फिर उसे वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 सितंबर, इसलिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। कोई वायदा करके जाए उस पर अमल करने की या समझने की जरूरत नहीं। आप तो एक ही संकल्प कर ले तो चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलकर 25 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर अगाध प्रेम और प्रयास देंगे और लोगों की तरह वायदा करने के बजाय हम कहने के बजाय करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। 25 सितंबर को उच्चाना में रखती है अपनी रैली। 25 सितंबर को कहाँ रैली रखेंगे ये तो आप सोच कर तय करें, लेकिन हमने पार्टी के लेवल पर एक तय किया है कि जींद जिला के उचाणा मंडी में हम 25 सितंबर की रैली रखेंगे। आप उसमें सारे आना, आपकी शमूलियत से हमारा हौसला बढ़ेगा, निश्चित रूप से राजनीति में परिवर्तन आएगा। कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। आप अपने जरूरी कामों को छोड़कर आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस बात के लिए आपको बधाई देऊंगा और इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहूंगा कि आपका सहयोग और समर्थन जैसा आज की तारीख में मिला वो भविष्य में भी हमें मिलेगा। आपका सहयोग और समर्थन जब मिलता रहेगा तो हम सारी सुविधाएं देंगे। आप आए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में आपका सहयोग और समर्थन मिले इस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आपसे विदाई चाहूंगा।